हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं सोटैक फार्मास्यूटिकल लिमिटेड आईपीओ के बारे में। देखा है तो इसका सब्सक्रिप्शन आज क्लोज़ हो गया, फाइनल डे सब्सक्रिप्शन हो गया है इसके अंदर। और देखेंगे कितना चांसेस है अलॉटमेंट मिलने का, अलॉटमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा। और साथ साथ में QIBs का भी कोटा रखा गया था, QIBs के अंदर कितना पोर्शन भरा, और साथ साथ में HNIs का भी देखेंगे। और हम जैसे आप जैसे रिटेल भी देखेंगे कि इसने कितना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ये सारी बातें सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बड़ा इंतजार दो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उसके माध्यम से मैं डीमेट अकाउंट ओपन करके सोटैक फार्मास्यूटिकल में पार्टिसिपेट करो लिस्टिंग के दिन, जो अच्छा पैसा बना के दे सकता है। फिलहाल चलो देखते हैं इसके अंदर अलॉटमेंट में कितना चांसेस है, वो भी देख लेते हैं। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात करें सोटैक फार्मास्यूटिकल आईपीओ के बारे में। देखा है तो ये आईपीओ आया और क्लोज भी हो गया। आज आखिरी दिन था इसका सब्सक्रिप्शन का, देखेंगे लाइव स्टेटस क्या इसके अंदर सब्सक्रिप्शन आया है। बात करते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल के अंदर, तो करीब करीब देखा जाए तो वन टाइम इसके अंदर सब्सक्रिप्शन आ चुका है। नहीं कह सकते क्वालिफाइड यानी QIB इसका पूरा पोर्शन फुल्ली ओवर सब्सक्राइब हो गया। और साथ साथ में बात करते हैं HNIs के यानी नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की, करीब करीब 4 times ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, जबरदस्त को देखने को मिला दोनों के ए पोर्शन के अंदर। और साथ साथ में देखा जाए हम जैसे आप जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, रिटेल इन्वेस्टर भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करें, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और करीब करीब देखा जाए रिटेल इन्वेस्टर्स का भी 1 time इसके अंदर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। अगर टोटल सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो करीब करीब 1.5 गुना ये आईपीओ फुल्ली ओवर सब्सक्राइब देखने को मिला। और बात करते हैं आईपीओ की और भी क्या डिटेल है वो देख लेते हैं। अगर आईपीओ की डिटेल हमारे बात करते हैं तो फर्स्ट डे इसके अंदर देखा तो करीब करीब कुछ खास रुझान दिखा नहीं था, लेकिन सेकंड डे इसके अंदर 0.23 time ही सब्सक्रिप्शन देखने को मिला 31 मार्च को। आज 3 अप्रैल आज इसका आखिरी दिन था, और करीब करीब आखिरी दिन 0.6 time इन 1.5 गुना करीब करीब ये आईपीओ हमको ओवर सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला। फिलहाल दे बात करते हैं और भी क्या डिटेल है। अगर और डिटेल के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर QIBs को जो कोटा रखा गया था वो देखा जाए, साथ साथ में HNIs भी देखा जाए तो करीब करीब इसके अंदर 15% रखा गया था, और रिटेल का भी इसके अंदर करीब करीब इसके अंदर 35% रखा गया था। अगर टोटल बात करते हैं इस आईपीओ की सब्सक्रिप्शन की, तो टोटल जो शेयर्स हुए अलॉट हुए थे 28,50,000 शेयर अलॉट हुए थे, करीब करीब 31 करोड़ का ये आईपीओ था। 100% इसके अंदर अलॉटमेंट देखने को मिला, ये कह सकते हैं 100% इसके अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। चलो आईपीओ की और भी क्या डिटेल है वो देख लेते हैं, और नेक्स्ट डेट क्या रहेगी साथ साथ में वो भी देखेंगे। उससे पहले कहूँगा चैनल लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी। आईपीओ की डिटेल के बारे में बात करते हैं तो सोटैक फार्मास्यूटिकल ये आईपीओ 29 तारीख को आया था, और आज इसका आखिरी दिन था, 3 तारीख को क्लोज हो गया, जिसका फेस वैल्यू करीब करीब 10 रुपये रखा गया था। आईपीओ प्राइस 105 से 111 रुपये के बीच में रखा गया था। मैंने कहा था 111 रुपये जो हाईएस्ट प्राइस बैंड है उस पर पार्टिसिपेट करो, जिसपे ज़्यादा चांस रहते हैं मिलने का। साथ साथ में बात करते हैं लॉट साइज के बारे में, तो 1200 शेयर्स एक लॉट के अंदर रखा गया था, और इश्यू साइज देखा जाए तो 33 करोड़ 30 लाख का ये आईपीओ था, और पूरा की पूरा ये फ्रेश इशू आईपीओ रखा गया था। और उसी के साथ साथ में देखा जाए लिस्टिंग की, तो हमको NSE SME पे लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि ये SME आईपीओ है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लॉट के अंदर ही ट्रेडिंग होती है। और साथ साथ में बात करते हैं इसके अंदर रिजर्वेशन की, तो देखा जाए इसके अंदर जो रिजर्वेशन रखा गया था करीब करीब QIB इसको 28% दिया गया था, और HNIs को करीब करीब इसके अंदर 21-22% दिया गया था। सबसे ज़्यादा देखा है तो रिटेल को करीब करीब 50% इसके अंदर रिटेल का पोर्शन रखा गया था। ओवरऑल देखा जाए तो फुल्ली ओवर सब्सक्राइब हुआ ही आईपीओ सभी पोर्शन, तीनों पोर्शन के अंदर। टोटल अगर शेयर्स देखा जाए तो 19,98,600 शेयर्स इसके अंदर इशू हुए हैं। चलो आईपीओ की और भी क्या नेक्स्ट डेट मेन डेट क्या है अलॉटमेंट की वो भी बात करें। सोटैक फार्मास्यूटिकल आईपीओ के टेंटेटिव टाइम टेबल के बारे में, जैसे मैंने बताया ये आईपीओ 29 तारीख को आया था और 3 तारीख को क्लोज हो गया। अब इसका हमको बेसिक अलॉटमेंट 10 तारीख को देखने को मिलेगा, और 10 तारीख को मंडे का दिन है, यानी नेक्स्ट मंडे को इसका हमको अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। अलॉटमेंट कैसे चेक करते हैं वीडियो के माध्यम से वही बता दूंगा। उसके बाद हमको रिफंड देखने को मिलेगा 11 तारीख को, और 12 तारीख को मेरे डीमेट अकाउंट में ये आ जाएगा, जिनको आईपीओ ये मिल जाएगा 12 तारीख को आ जाएगा उनके डीमेट अकाउंट में। और लिस्टिंग के बारे में बात करते हैं तो 13 तारीख को हमको ये स्टॉक मार्केट पर लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा थर्सडे के दिन। और साथ साथ में देखते हैं आईपीओ और भी डिटेल में। अगर आईपीओ में देखा जाए तो इसके अंदर जो रिटेल का पोर्शन रखा गया था, लॉट साइज मिनिमम मैक्सिमम रिटेल एक लॉट ले सकता था, 1200 शेयर्स रखे गए थे, और साथ साथ में 1,33,200 अमाउंट पे करना था। और उसी साथ में HNIs के कोटे में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 2 लॉट लेना पड़ेगा, करीब करीब शेयर्स मिलेंगे 2,400 शेयर्स मिलेंगे, लेकिन अमाउंट पे करना पड़ेगा करीब करीब 266,400 पे करना पड़ेगा। फिलहाल देखते हैं अभी इसके अंदर प्रमोटर होल्डिंग कितनी थी, इसके अंदर 84% प्रमोटर होल्डिंग थी। अब कितनी होल्डिंग हो जाएगी और लिस्टिंग के दिन वो भी वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। चलो देखते हैं आज के डेट में के अंदर क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते चलो। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। हम बात कर रहे हैं सोटैक फार्मास्यूटिकल आईपीओ के बारे में। देखा है तो ये आईपीओ का सब्सक्रिप्शन आया और क्लोज भी हो गया। फिलहाल देखा जाए तो आज के डेट में इसके अंदर क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो देखा जाए, और कितने में ट्रेंड कर रहा है वो देख लिया जाए। फिलहाल देखा जाए तो आज है करीब करीब 3 तारीख और 3 अप्रैल, और आईपीओ
आज क्लोज भी हो गया और आज के डेट में करीब करीब इसके अंदर हमको 6 से 7% तक की तेज़ी देखने को मिली। स्टार्ट में देखा जाए तो करीब करीब इसके अंदर 5 से 6% की तेज़ी बनी हुई थी, लेकिन अभी भी इसके अंदर करीब करीब 6% की तेज़ी बनी हुई, नहीं कह सकते या भी 5 से 10% तक की हमको तेज़ी देखने को मिल रही है, हमको गेन देखने को मिली। फिलहाल जैसे भी रुझान रहा अलॉटमेंट के दिन वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ में बेल आइकन की बड़ी दबा देना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसके माध्यम से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके आप स्टॉक मार्केट के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।